हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिम खान, प्रोफेशनल एक्सेल एक्सपर्ट और एक्सेल ट्रेनर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं जो कि आपके रेगुलर यूज में आएगी और जिससे आप अपना काफी टाइम बचा सकते हैं। देखिए, समझाने के लिए यहां पर मैंने एक सेल्स इनवॉइस का फॉर्मेट लिया है। अब आपने देखा होगा, जब आप सेल्स का इनवॉइस काटते हैं तो आपको कुछ चीजें बार बार अपने इनवॉइस के अंदर डालनी पड़ती हैं। एग्जांपल के लिए यहां पर आपको कंपनी का नेम डालना पड़ेगा, कंपनी का एड्रेस डालना पड़ता है बार बार, और दूसरा क्या है, यहां पर आपको स्टॉक आइटम डालने पड़ते हैं। बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके जो स्टॉक आइटम होते हैं वो बड़े बड़े डिस्क्रिप्शन के साथ होते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर हम लेते हैं तो वहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है। इस तरह से आपने देखा होगा, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले हैं उनको पता होगा। और या फिर डिजाइनिंग कंपनी मैंने देखी है, डिजाइनिंग में भी पूरा डालना पड़ता है कि आपने क्या क्या यूज किया है, उसके अंदर क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, पूरा आपको डालना पड़ता है। और भी इस तरह की कंपनी होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, उससे क्या होगा, आप यहाँ पर 2-3 बार टाइप करेंगे, आपका पूरा स्टॉक आइटम यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा आ जाएगा। और आपको कंपनी का नाम डालना है तो कंपनी के 2-3 स्टार्टिंग के वर्ड टाइप करेंगे, कंपनी का नाम। कंपनी का एड्रेस डालना है तो स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड टाइप करेंगे, पूरा कंपनी का एड्रेस आ जाएगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैं एक्सेल से रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें अपलोड करता रहता हूं, जैसे कि एक्सेल के शॉर्टकट कीज, एक्सेल के फॉर्मूले, इस तरह की काफी सारी पोस्ट मैं अपलोड करता रहता हूं। तो ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए ये कंपनी के नेम लिए हैं 2, और यहाँ पर एड्रेस ले लिए हैं, यहाँ पर स्टॉक आइटम ले लिए हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के हिसाब से मैंने स्टॉक का डिस्क्रिप्शन ले लिया है। अगली शीट में मैंने कुछ और आइटम लिया है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या चीज है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने एड्रेस पर। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपनी का नाम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, क्योंकि हमें कॉपी पेस्ट करके वहां पर सेव करना पड़ेगा। फाइल मेन्यू में जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे ऑप्शंस के अंदर, और यहां पर जाएंगे प्रूफिंग के अंदर, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। अब देखिए यहां पर ये विंडो आ जाएगी, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको विद के अंदर ये पेस्ट कर देना है, जो भी अभी आपने कॉपी किया था इसको हमने यहां पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया है। अब यहां पर हम जो भी नाम देंगे उसी नाम से हमारा शॉर्टकट बन जाएगा, यानी कि यहां पर मैं देता हूं रेनमैक्सी का RAN दे देते हैं, RAN टाइप करूंगा तो पूरा एड्रेस आ जाएगा। चलिए ऐड कर लेते हैं, और देखिए यहां पर ये हमारा ऐड हो गया है नीचे, ये सारी चीजें एक्सेल वालों ने ऐड की हैं बाय डिफॉल्ट। चलिए ओके कर लेते हैं और ओके। अब यहां पर मुझे नाम डालना है तो RAN टाइप करना है और एंटर कर देना है तो पूरा कंपनी का नेम आ जाएगा। इसी तरह से हम इसका एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लिया है, फाइल ऑप्शंस, और यहां पर जाएंगे आप प्रूफिंग के अंदर, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, और यहां पर विद के अंदर यहां पर पेस्ट कर देंगे। ओके, और यहां रिप्लेस में जाएंगे, यहां पर आपने डालना है जो भी आपको डालना है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं ले लेता हूं रेनबैक्सी का एड्रेस है तो यहां पर मैं देता हूं RAN और ADDD एड्रेस के लिए ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ये टाइप करूंगा तो पूरा एड्रेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अगर कोई सा लेटर कैपिटल दिया है तो वो कैपिटल ही टाइप करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहां पर मैंने ए कैपिटल दे दिया है, ऐड करेंगे और ओके कर देंगे। ओके, तो चलिए एड्रेस टाइप करना है RAN ADDD और एंटर, तो देखिए पूरा एड्रेस यहां पर आ गया है। इसी तरह से हम ले लेते हैं ये स्टॉक का डिस्क्रिप्शन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं पूरे को, कंट्रोल सी, और चलते हैं फाइल के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, और यहां पर प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, और विद के अंदर यहां पर हम पेस्ट कर देंगे। तो यहां पर देखिए काफी लंबा डिस्क्रिप्शन था जो कि आ गया है। यहां पर जो इसकी लेंथ है ये 300 कैरेक्टर तक के यहां पर सेव कर सकता है, ज्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन ये सेव नहीं करेगा, तो जितना मैंने दिया है ये 300 से कम ही है, ठीक है। तो चलिए यहां पर मैं रिप्लेस डाल देता हूं, क्या शॉर्टकट डालना है मुझे वो डालना है, तो मैं लेता हूं PCC, ये ले लेते हैं PCC20 ले लेते हैं, राइट, PCC20, चलिए इस नाम से हो गया, और एड कर देंगे तो ये हमारे इस लिस्ट में यहां पर एड हो गया, और ओके करते हैं और ओके करते हैं। अब चलिए हम क्या करते हैं, हम अपना बिल बनाते हैं डायरेक्टली। तो कंपनी का नाम डालना है तो RAN रेनबैक्सी एंटर, कंपनी का एड्रेस RAN ADDD A कैपिटल है, एंटर, एड्रेस आ गया, और स्टॉक आइटम डालना है तो चलिए यहां पर मैं डाल देता हूं PCC20 दिया था मैंने, राइट, एंटर, तो हमारा पूरा स्टॉक आइटम आ गया। अब इसको मैं कर लेता हूं रैप टेक्स्ट, होम में जाकर रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर शो हो गया। तो जो चीज आपको बार बार टाइप करनी पड़ती है, कॉपी पेस्ट करनी पड़ती है, उसको आप इस तरह से शॉर्टकट बनाकर सेव कर लेंगे, उससे क्या होगा, आपका काफी टाइम बच जाएगा। अगर आप एक एक्सेल एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मैंने एक्सेल का एक 1500 रुपए का प्रोफेशनल कोर्स लॉन्च किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या क्या उसके अंदर सिखाया जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज काम की बताता हूँ। अब ये जो हमने शॉर्टकट बनाया है ये हमारे पूरे एक्सेल के अंदर सेव हो चुका है, कहीं भी किसी भी फाइल के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नई शीट ले लेता हूँ, कंट्रोल एन करेंगे तो नई फाइल आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ RAN, एंटर, RANADD, एंटर, PCC20, एंटर। तो देखिए पूरा स्टॉक आइटम आ गया। और इसके अलावा हमें जरूरत पड़ती रहती है कंपनियों के या हमारे खुद के GST नंबर या पैन नंबर, तो उसको भी आप सेव कर सकते हैं। ये मैं इसको GST नंबर को कॉपी कर लेता हूँ, फाइल में जाकर ऑप्शंस में जाएंगे और प्रूफिंग ऑटो करेक्ट, और यहाँ पर विद में मैंने पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ आवर GST, OUR GST, ऐड कर लेते हैं, ओके और ओके। तो बस जहां पर भी डालना है यहाँ पर डालना है हमें OUR GST, एंटर। तो हमारा GST नंबर यहाँ पर आ गया। अब आपको सोचना है कि आप अपने एक्सेल में क्या चीज ऐसी यूज करते हैं जो कि आपको बार बार यूज करनी पड़ती है, उसको आप इस तरह से शॉर्टकट बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इसको हटाना है, ये आपने शॉर्टकट बनाए हैं, तो ऑब्वियसली आपको वहीं पर जाना पड़ेगा, फाइल में जाकर ऑप्शंस में जाएंगे, प्रूफिंग ऑटो करेक्ट, और यहां पर आपको टाइप करना है, मान लीजिए मुझे रेनमैक्सी हटाना है, RAN, तो ये देखिए आ गया। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट, ये डिलीट हो गया। या फिर आप स्क्रॉल करके भी यहाँ पर ढूंढ सकते हैं आपका कौन सा आइटम था, जो भी आपका आइटम होगा उस पर क्लिक करना है और डिलीट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए चलते हैं हम अपनी लास्ट वाली शीट पर। यहाँ पर हमने सेल्स की रिपोर्ट ली है और यहाँ पर क्या किया है, मंथ के नेम है। अब जब हमें इस तरह की सेल्स की रिपोर्ट बनानी होती है या फिर आपने देखा होगा GST की रिपोर्ट बनानी होती है, तो वहां पर हमें मंथ चाहिए होता है, अप्रैल से मार्च तक के फाइनेंशियल ईयर के सारे जितने भी मंथ है वो आ जाए। आपको यहाँ पर टाइप करना है APR, एंटर करेंगे और इसको हम ड्रैग कर लेंगे अप्रैल से लेके, इस तरह से ड्रैग कर लेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेल के अंदर सेट होते हैं, मंथ जो है सेट होते हैं। और आप चाहते हैं पूरा नाम आए, अप्रैल आए, APRIL, एंटर, और इसको हम ड्रैग करेंगे तो पूरे मंथ के नेम आ जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। अब आप चाहते हैं कि 2019-2020 फाइनेंशियल ईयर भी आए, तो APR और डैश करके 19, एंटर, तो ये देखिए अब इसको ड्रैग करेंगे तो ये ईयर भी आ जाएगा इसके साथ, ओके। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ईयर जो हमारा पहले आ रहा है और बाद में मंथ आ रहा है, इसको कैसे करना है अगर आपको इस तरह की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको अपने डेटा को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, या फिर इसका शॉर्टकट है Ctrl+1, तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मेट सेल का ये बॉक्स खुल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ कस्टम में जाकर यहाँ पर आपको चेंजेस करने हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर ईयर पहले लाना है तो ईयर के लिए हम Y शुरू में डाल देंगे, इसको डिलीट करते हैं, Y, चार बार Y करेंगे तो पूरा यहाँ पर 2019 जैसे लिखा हुआ ना ऊपर, ये प्रीव्यू दिखा रहा है। और मैं दो डिलीट करता हूँ, देखिए तो देखिए इस तरह से 19 आ जाएगा, तो चार बार करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आपको जो भी सिंबल देना है, डैश देना है या स्लैश देना है, वो यहाँ पर डाल देंगे तो ये सैंपल की तरह यहाँ पर दिखाता रहेगा। इसके बाद हम मंथ का नेम देंगे तो MM MM करेंगे तो क्या होगा, 04 आ जाएगा, और एक बार और M करेंगे तो इस तरह से APR आ जाएगा, ठीक है, एक बार और M करेंगे तो पूरा आ जाएगा, ये देखिए ओके करते हैं तो ये देखिए ईयर आ गया है और यहाँ पर मंथ के नेम आ गए। तो इस तरह से आप इनका शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं और अपना काफी टाइम बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आ जाए 1 अप्रैल 1 मई 1 जून ऐसे आ जाए, तो देखिए यहाँ पर हम जाएंगे फॉर्मेट सेल के अंदर और कस्टम में जाकर हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में DD लगा देना है, DD मतलब डे, तो स्टार्टिंग में DD डैश और ओके। तो ये देखिए 1 अप्रैल 1 मई 1 जून इस तरह से आ गया। ईयर हटाना चाहते हैं तो ईयर हट जाएगा, वहां से जाकर YY आपको डिलीट कर देना है। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियोस लाता रहूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो बनाने की। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।